हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर नेट जुलाई 2024 में लिनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आए हुए थे। लेक्चर वन में हमने तीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड आज का अपना सेकंड लेक्चर है। आज हम थ्री क्वेश्चंस ही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कल जो हमने लेक्चर लिया था अपना लेक्चर वन था, आप देख लीजिएगा एक बार, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। एंड आज का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फॉर ए क्वाड्रेटिक फॉर्म एफ एक्स वाई जेड इन आर एक्स वाई जेड। अब हमें यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है वो कहाँ से बिलोंग करती है, आर एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये कैसी है, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि हमें कैसी फॉर्म दी हुई है, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। वी से दैट ए बी सी इन आर थ्री इज ए जीरो ऑफ एफ इफ एफ ऑफ ए बी सी इज जीरो। तो यहाँ पे हम जो ए बी सी हमारे पास जो ये वेक्टर होगा आर थ्री से, इसको हम जीरो कब बोलेंगे, अगर हमारे पास जो फंक्शन में जब हम इसको रखें क्वाड्रेटिक फॉर्म में, एफ ऑफ ए बी सी जब हम करें तो अगर वो जीरो आ जाता है ना। तो यहाँ पे एक और नोट कर लीजिए आप, ए बी सी इन आर थ्री इज ए जीरो ऑफ एफ इफ एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैज एट लीस्ट वन जीरो डिफरेंट फॉर्म जीरो जीरो। ओके, इसने क्या कहा है कि हमारे पास ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी जिसके पास इस ओरिजिन के यानी कि इस जीरो जीरो के अलावा एक और जीरो हो, यानी कि हमारे पास जो ये ए बी सी है ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। हमें ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पे फाइंड आउट करनी है क्या होगी, ठीक है। ओके, डिफरेंट फ्रॉम जीरो जीरो, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम जीरो जीरो को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें वो ए बी सी निकालना है जो कि क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, और देखना है हमें किस क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ ये ऐसी कंडीशन हमें मिलती है। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हम यहाँ पे ये नॉन जीरो वेक्टर रखें, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हम यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर रखें तो वो जीरो किस केस में देता है, दो केस में देगा, या तो सेमी डेफिनेट क्या हो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो या फिर इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म हो। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर हम एक नॉन जीरो वेक्टर लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक नॉन जीरो वेक्टर लेते हैं, लेट से ए बी सी इन आर थ्री, ठीक है, आर थ्री, तो हमारे पास जो ये एफ ऑफ ए बी सी है ये नॉट इक्वल टू जीरो कब आएगा, इफ आइदर एफ इज सेमी डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है, और इनडेफिनेट। अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे, हमारे पास जो सेमी डेफिनेट होती है, अब उसमें भी हमारे पास दो हो सकती है, एक तो होता है हमारे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एंड एक हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, हमारे पास जो सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म, अब इसको भी टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक तो होता है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ओके, और एक हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होता है, व्हाट इज़ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमारे पास रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स
इज कोल्ड, क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम इसी टाइप से डिफाइन करते हैं, इज कोल्ड पॉजिटिव सेमी, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट इफ क्यू इज ऑलवेज, इफ क्यू इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, इक्वालिटी यहीं पे लगी हुई है ना, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर हम अब नेगेटिव सेमी डेफिनेट की बात करें तो ये क्या होता है, ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज कॉल्ड नेगेटिव सेमी डेफिनेट इफ क्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब सेकंड हमारे पास क्या होता है, अब देखिए जब भी हम कोई नॉन जीरो वेक्टर लेंगे तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो जीरो वैल्यू किस केस में देगी, या तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो सेमी डेफिनेट होनी चाहिए या फिर आपके पास इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म होनी चाहिए। अब सेमी डेफिनेट में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। सेकेंड हमारे पास कब जीरो दे सकती है, जब आपके पास इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, है ना, इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म हो। अब इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्या है डेफिनेशन, ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज कॉल्ड इनडेफिनेट इफ क्यू कैन एज्यूम, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म्स गिवन है हम चेक कर लेते हैं उनमें से कौन सी सेमी डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है। तो जो सी भी हमें इनडेफिनेट या फिर सेमी डेफिनेट मिलेगी तो वहीं पे नॉन जीरो वेक्टर पर हमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो जीरो वैल्यू देगी, है ना। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ से हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, ऑप्शंस को। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे आपको नॉन जीरो वेक्टर्स पे ये जीरो देगा, बट ये एक लॉजिकल वे है, आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दी हुई है क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू, अब एफ में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम एफ ही ले लेते हैं। एफ एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर प्लस थ्री जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये कैसी है, सेमी और इनडेफिनेट तो ये नहीं है, है ना, हम देख लेते हैं एक बार। अब आपके पास क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको हम पॉजिटिव कब बोलते हैं, पॉजिटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म कब बोलते हैं हम, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ए आर पॉजिटिव। अगर हम सारे के सारे प्रिंसिपल माइनर्स को पॉजिटिव प्रूफ कर दें तो हम क्या बोल देंगे कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो कैसी है, पॉजिटिव डेफिनेट है। अब आप एक बार इस रिजल्ट को लिख लीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये, ठीक है। देखिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज
पॉजिटिव डेफिनेट इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल द लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑल द लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ए आर पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, अगर हम यहाँ से इसकी मैट्रिक्स बनाएं तो मैट्रिक्स यहाँ पे क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज़ 1, कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई 0, कोफिशियंट ऑफ एक्स जेड 0, कोफिशियंट ऑफ वाई एक्स 0, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वेयर इज 2, कोफिशियंट ऑफ वाई जेड इज 0, कोफिशियंट ऑफ एक्स जेड इज 0, कोफिशियंट ऑफ एक्स सॉरी वाई जेड इज 0 एंड कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वेयर इज 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स आई है, तो यहाँ पे तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव है। तो आप इससे यहाँ पे बोल सकते हो कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी ये कैसी होगी, पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी ये कैसी होगी, पॉजिटिव डेफिनेट होगी। यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज ऑफ ए है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज ऑफ ए हमारे पास आई है, एक ये भी होता है कि अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है तो हम क्या क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप चाहो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट ही मिल गया। दिस इम्प्लाइज Q इज पॉजिटिव, या फिर F में है यहाँ पे, तो F इज पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये तो हमारा आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो जीरो वैल्यू दो ही केस में दे सकती है, या तो वो सेमी डेफिनेट होनी चाहिए या फिर इनडेफिनेट। ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट इज एफ एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर प्लस थ्री जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ टू एक्स वाई। अब यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 1, कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई इज माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1, कोफिशियंट ऑफ एक्स जेड इज 0। अब ये तो आपको पता होगा कि हम इसको कैसे लिखते हैं, है ना। आई थिंक ये चीज़ सबको पता है कि हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म से, है ना। एंड कोफिशियंट ऑफ वाई एक्स इज माइनस 1, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वेयर 2, कोफिशियंट ऑफ वाई जेड इज 0, कोफिशियंट ऑफ एक्स जेड इज 0, कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई सॉरी वाई जेड 0, कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वेयर इज 3। ओके, तो अब हम इसको चेक करते हैं लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स फाइंड आउट करके। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर होगा, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखें a11 a12 a13, आप यहाँ से समझ पाओगे कि लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या होता है। ए यहाँ पे क्या आएगा, a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। ठीक है, एंड नाउ अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 क्या आएगा, a11। अब a11 क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 0, है ना। एंड नाउ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज a11 a12 a21 एंड a22। अब यहाँ पे लिखिए वैल्यूज क्या आएंगी, a11 1, a12 इज माइनस 1, a21 इज माइनस 1 एंड a22 इज
टू, तो ये हमारे पास क्या आएगा, टू एंड प्लस वन इज इक्वल टू थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। एंड नाउ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर थ्री, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर थ्री, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर थ्री, तो ये हमारे पास ये कंप्लीट मैट्रिक्स ही आएगी, इज वन माइनस वन जीरो, क्योंकि थ्री क्रॉस थ्री की ही मैट्रिक्स है हमारे पास, जीरो जीरो थ्री। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यहाँ पे वन एंड सिक्स प्लस वन, और ये हमारे पास आएगा माइनस थ्री, और ये होगा सिक्स माइनस थ्री इज थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्रिंसिपल लीडिंग, जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स है कैसे हैं, पॉजिटिव है। देखिए ऑल द लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ए आर पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज एफ इज पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्म, दिस इंप्लाइज ऑप्शन सेकेंड भी हमारा यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर प्लस थ्री जेड स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड। अब यहाँ से एफ एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर प्लस थ्री जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ टू एक्स वाई माइनस ऑफ टू वाई जेड। ठीक है, अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स बनाएं तो मैट्रिक्स यहाँ पे क्या आएगी, वन टू थ्री माइनस वन माइनस वन जीरो माइनस वन एंड वाई जेड का फिर से माइनस वन और ये जीरो माइनस वन, मैट्रिक्स हमारे पास ये आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स फाइंड आउट करूँ तो देखिए, नाउ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑफ ऑर्डर वन का क्या होगा, यहाँ पे वन इज ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली ऑर्डर टू का क्या होगा, वन माइनस वन माइनस वन टू, तो ये हमारे पास क्या आएगा, सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये आएगा टू माइनस वन इज वन ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे भी आप करेक्ट कर लीजिए, ये थ्री नहीं आएगा, ये टू माइनस वन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम ऑर्डर थ्री का फाइंड आउट करें तो ये है वन माइनस वन जीरो माइनस वन टू माइनस वन जीरो माइनस वन थ्री, डिटर्मिनेंट आएगा वन और ये सिक्स माइनस वन, यहाँ पे भी कर लीजिएगा इसको, ये तो ठीक है, चलो इधर क्या आएगा प्लस वन, ठीक है मेरे को लग रहा था कहीं यहाँ पे मिस्टेक कर दी हो, प्लस वन और ये आएगा माइनस थ्री, यानी कि फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव डेफिनेट, क्योंकि यहाँ पे भी सारे के सारे लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स कैसे हैं, ऑल द लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ए आर पॉजिटिव। ओके, दिस इंप्लाइज एफ एक्स वाई जेड इज पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्म, दिस इंप्लाइज ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो वैसे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होने वाला है।
अगर आप चाहो तो यहाँ पे 111 वैल्यू रख के भी देख सकते हो, एक नॉन जीरो वेक्टर लेके, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स वाई जेड में 111 पुट करूँ, देखिए अगर मैं यहाँ से एक नॉन जीरो वेक्टर लूँ, कहाँ से, R3 से, ठीक है, तो अगर मैं वैल्यूज़ निकाल लूँ तो क्या आएगी हमारे पास, 1 + 2 - 3, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हेयर 111 इज 0 ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफरेंट फ्रॉम ओके। एक तो ऑप्शन ये है कि आप ऐसे कर सकते हो इसको, और एक वही है कि हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये कैसी बनेगी, इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये हमारे पास, ठीक है, कैसी है, इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये, अगर आप चाहो तो आप देख भी सकते हो, ठीक है, हमारे पास कैसी है, इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये, ओके लिख लीजिएगा इसको, दिस इज इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैंने क्या कहा था कि नॉन जीरो वेक्टर पे क्वाड्रेटिक फॉर्म जीरो उसी केस में लेगा, या तो वो सेमी डेफिनेट होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म वो होनी चाहिए, ठीक है, दो ही ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। इसकी PDF आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे ऐप का, PDTech मैथ के नाम से है, तो आप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिलेगी, एकदम फ्री है, टेंशन मत लीजिएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, लेट टू ए बी सी बी ए 2×2 रियल मैट्रिक्स, यानी कि ए बी सी कहाँ से बिलोंग करते हैं, आर से, फॉर विच 6 इज एन आइगन वैल्यू। यहाँ पे 2×2 की मैट्रिक्स है, दो ही आइगन वैल्यू होने वाली है, एक आइगन वैल्यू इसने खुद ही मेंशन कर दी यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू, तो यहाँ पे हमें ए बी सी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो देखिए कैसे करोगे इसको, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स है क्या है, टू लेट से ए ए बी एंड सी, ये हमारे पास क्या है, 2×2 की मैट्रिक्स है, एंड ए बी सी जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, क्योंकि इसने रियल मैट्रिक्स बोला है। 6 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ओके, एंड नाउ लेट λ1 एंड λ2 आर टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए, टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज λ1 + λ2, और मैट्रिक्स में जो ट्रेस होता है वो क्या होता है हमारे पास, जो डायगनल एंट्रीज होती है उसका सम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 + c इज इक्वल टू λ1 + λ2, एंड λ2 को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं से, क्योंकि एक आइगन वैल्यू तो हमें दे रखी है, λ2 इज 6, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 + c इज इक्वल टू λ1 + 6, दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, λ1 इज इक्वल टू c - 4, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। एंड नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, एंड डिटर्मिनेंट क्या होगा यहाँ पे जब मैट्रिक्स का निकाल लेंगे, इज 2c - ab इज इक्वल टू λ1 इंटू, एंड λ2 हमने 6 लिया है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इज 6λ1 इज इक्वल टू 2c - ab, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए λ1 की वैल्यू क्या है, c - 4। नाउ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट लैम्डा वन इज सी माइनस फोर, देन सिक्स इंटू सी माइनस फोर इज इक्वल टू टू सी माइनस ऑफ ए बी, एंड दिस इज सिक्स सी माइनस 24 इज इक्वल टू टू सी माइनस ए बी, एंड दिस इज सिक्स सी माइनस टू सी माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस ए बी, एंड दिस इज फोर सी माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस ए बी। और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज 24 माइनस ए बी इज इक्वल टू फोर सी, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये हमारा जो है ऑप्शन 24 माइनस ए बी इज इक्वल टू फोर सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, बिल्कुल ईजी था ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ 4x4 ऑर्डर, है ना, एंड कंसिडर द सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑफ आर ऑन आर फोर गिवन बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू फोर वी डब्ल्यू इन आर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, एक बाइलिनियर फॉर्म गिवन है और बता रखा है कि किस टाइप से गिवन है, ठीक है। एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है और अब इस मैट्रिक्स को आप एक बार ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स है ना कुछ स्पेशल है। अगर मैं यहाँ पे इसके ब्लॉक्स बनाऊँ, ठीक है, 4x4 की है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लॉक बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके पास ये एक स्क्वेयर ब्लॉक मैट्रिक्स है ना, ये तो आपको दी गई, क्या है ये, एक स्क्वेयर ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप इस स्क्वेयर ब्लॉक मैट्रिक्स को एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिखेगा। अब ये देखिए, ये जो स्क्वेयर ब्लॉक मैट्रिक्स है ये कैसी है, डायगनल है ना, डायगनलाइजेबल तो है ना, कैसी है, डायगनलाइजेबल ब्लॉक मैट्रिक्स, डायगनलाइजेबल स्क्वेयर ब्लॉक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, कैसी है ये, डायगनलाइजेबल स्क्वेयर ब्लॉक मैट्रिक्स। अब जो इसके पास ब्लॉक है वो कितने ऑर्डर के हैं, है ना, टू, 2x2 के। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक क्या है, इज 0110, एंड सेकेंड ब्लॉक इज 1111, ठीक है। अब हमें जो जो बाइलिनियर फॉर्म गिवन है वो इस टाइप से दे रखी है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, एंड वी डब्ल्यू कहाँ से बिलोंग करता है, आर फोर से, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वर्टिबल, ओके, ए इज इन्वर्टिबल। अब फर्स्ट ब्लॉक हमारे पास क्या है, फर्स्ट ब्लॉक इज 0 1। देखिए जब भी हमारे पास डायगनलाइजेबल ब्लॉक मैट्रिक्स आती है तो हमें सिर्फ उसके ब्लॉक से मतलब होता है। अगर हमारे पास जो ब्लॉक मैट्रिक्स है हमें उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, उन्हीं का हमें ट्रेस फाइंड आउट करना होता है। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक आया है तो हम फर्स्ट ब्लॉक का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सेकंड ब्लॉक का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो जो कंप्लीट हमारे पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ब्लॉक। सिमिलरली हम फर्स्ट ब्लॉक की आइगन वैल्यूज निकालेंगे, सेकेंड ब्लॉक की आइगन वैल्यूज निकालेंगे, देन कंप्लीट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होगी वो क्या होंगी, यहाँ पे जो हमारे पास दोनों ब्लॉक्स की आइगन वैल्यूज आई है तो वो मिला के 4 हो जाएंगी, है ना, ये है। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, लेट्स से दिस A1, ये फर्स्ट ब्लॉक है, तो इसकी अगर मैं आइगन वैल्यूज़ की बात करूँ तो हमारे पास क्या आएगी इसकी आइगन वैल्यूज़, इसकी आइगन वैल्यूज ऑफ A1, आइगन वैल्यूज ऑफ A1 इज 1 एंड -1, एंड लेट्स से A2 हमारे पास जो ब्लॉक बना है क्या है, 1 1 1, एंड आइगन वैल्यूज ऑफ A2 हमारे पास क्या बनने वाली है, इज 2 एंड 0, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आई हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 आइगन वैल्यू आ गई है ना मैट्रिक्स की, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इंप्लाइज
ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्यों आई है? क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है? तो ए हमारे पास कैसी आ गई? सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट इन्वर्टिबल एंड दिस इम्प्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है? यहाँ तक ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो आप, हमारे पास पॉजिटिव भी है आइगन वैल्यू, नेगेटिव भी है, और ऐसा किस केस में होता है? इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म के केस में होता है ना? अब यहाँ पे तो मैट्रिक्स है तो आप इनडेफिनेट मैट्रिक्स बोल लीजिए। नेक्स्ट इज, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वैक्टर्स वी डब्ल्यू सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू इज़ ज़ीरो। अब हमें क्या दे रखी है, सिंस जो बाइलिनियर फॉर्म है वो किस टाइप से डिफाइन की है, वी ट्रांसपोज ए डब्लू, ठीक है? और हमें पता है जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ठीक है? अब जीरो क्या है? आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, ठीक है? जीरो इज एन, नाउ सिंस जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर डब्ल्यू इन आर, कहाँ से बिलोंग करेगा? देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर डब्ल्यू इन आर फोर सच दैट ए डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, हम बोल सकते हैं। एंड दिस इम्प्लाइज वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज, और ये क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया बाइलिनियर फॉर्म, ये हमारे पास क्या आ गई? जीरो। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन इज बाइलिनियर फॉर्म यू वी इज नॉट इक्वल टू यू डब्ल्यू फॉर ऑल नॉन जीरो वैक्टर्स, फॉर ऑल नॉन जीरो वैक्टर्स यू वी डब्ल्यू विद वी नॉट इक्वल टू वी। चलिए देख लेते हैं हम। हमें पता है कि जीरो हमारे पास क्या है? आइगन वैल्यू है। सिंस जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है? लेट वी एन डब्ल्यू इन आर फोर, एंड जो वी डब्ल्यू है हमारे पास ये क्या है? वी इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है? अब जीरो हमारे पास क्या है? आइगन वैल्यू ऑफ ए है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? अब जीरो हमारे पास क्या है, याद रखिएगा, आइगन वैल्यू है, ठीक है, ए की। तो हमें इनफाइनाइट वेक्टर्स मिलेंगे कर्नल ऑफ ए में, है ना? दिस इम्प्लाइज देर एग्जिस्ट इनफाइनाइट वेक्टर्स इन कर्नल ऑफ ए। तो हमने वहां से क्या किया, दो वेक्टर्स ले लिए वी और डब्ल्यू, ठीक है? वी और डब्ल्यू, है ना? हमने क्या किया, आप एक काम करो, जो वी और डब्ल्यू है ये कहाँ से ले लीजिए? कर्नल ऑफ ए से, ठीक है? डब्ल्यू भी आप ले लीजिए कर्नल ऑफ ए से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए वी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना? यानी कि जब मैं यहाँ से ये बाइलिनियर फॉर्म अगर मैं निकाल लूँ यू ट्रांसपोज ए वी, ये क्या आ गया? जीरो। सिमिलरली अगर मैं यू डब्ल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये हमारे पास क्या आ गया, यू ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, ये भी हमारे पास क्या बन गया? जीरो। अब यहाँ से तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, और यहाँ पे जो वी और डब्ल्यू है ये दोनों क्या थे, डिफरेंट थे। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है?
एंड नाउ लास्ट ऑप्शन इज एवरी आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वेयर इज पॉजिटिव। अब हमारे पास जो आइगन वैल्यूज ऑफ ए है वो क्या आई थी, 1, -1, 2 एंड 0। दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वेयर हमारे पास ये क्या बनेगी, 1, 1, 4 एंड 0। इसने क्या कहा है कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज ए स्क्वेयर की कैसी है, पॉजिटिव है। बट यहाँ पे देखिए 0 इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है, आपको प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है वहाँ पे मिल जाएगी। बट उससे पहले आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इवनिंग में टोपोलॉजी की वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।